हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं श्लोक श्रीवास्तव वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ट्रू जिला में। आज हम आपको 7 विजुअल इफेक्ट्स की मूवी के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मूवी तो देखना सबको ही पसंद होती है और अगर कोई एक्शन मूवी हो तो उसको देखने के लिए हम काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन मूवी बनने के पीछे की मेहनत के बारे में हमें नहीं पता चलता। हम आपको आज 7 मूवियों के बारे में बताएंगे जिनके पीछे गजब के ग्राफिक्स एंड VFX दिए हुए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे और साथ ही अगर आप हमारे पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह हम आप तक नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहें। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है वो है लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने लाइफ ऑफ पाई मूवी तो देखी होगी जिसमें पाई नाम का लड़का अपना ज्यादातर टाइम समुद्र के बीच एक शेर के साथ बिताता है। यह सीन देखकर आपके मन में यही बात आई होगी कि क्या यह शेर असली है या नकली। तो बता दें दोस्तों कि यह शेर नकली था, लेकिन इस शेर को फिल्म पर दर्शाने के लिए विजुअल इफेक्ट की हेल्प ली गई थी। आपने में जितने भी शेर के सीन देखे वो एक्चुअली में ब्लू कलर का एक टेडी बियर था जिसको ग्राफिक्स के जरिए एक शेर के रूप में दिखाया गया। जो आप भी हैरान हो गए ना सुनके, बल्कि समुद्र वाला जो आपने सीन देखा वो भी सीन असली नहीं था, कुछ पानी के टैंकर के जरिए और ब्लू स्क्रीन के जरिए ये फिल्म पर्दे पे दर्शाए गए। तो नंबर 2 पे आती है द जंगल बुक। दोस्तों, ये फिल्म सुनकर मन में मोगली, हरे भरे जंगल और बात करने वाले बड़े जंगल के जानवर दिखाई देते हैं और ये फिल्म बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय रही थी। तो बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग किसी भी जंगल में नहीं की गई थी, बल्कि ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स के जरिए ये सारे सीन ग्रीन स्क्रीन पर दर्शाए गए थे, जिसकी वजह से सारे इफेक्ट देखने में हमें ये सीन काफी अच्छे लगे थे। नंबर 3 पे आती है फैन। दोस्तों, शाहरुख खान की आपने फैन मूवी तो देखी होगी, उसमें शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन ने पूरे VFX का काम किया था जिसमें शाहरुख खान को एक 18 साल के यंगस्टर के रूप में दिखाया गया था और उनकी एज काफी छोटी दिखाई गई थी इस फिल्म में। शाहरुख खान की रेड चिली प्रोडक्शन ने ही रोहित शेट्टी की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में भी ट्रेन वाले सीन को VFX एंड ग्राफिक्स के जरिए काफी अच्छे दर्शाए गए। दोस्तों, अब तो लगता है कि ग्राफिक्स और VFX के जरिए आप अपनी मूवियों को काफी अच्छा बेहतर बनाकर खूब अच्छी कमाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे यही आती है ट्विलाइट सागा। ट्विलाइट सागा मूवी को तो सबने ही देखा होगा और ये मूवी लोगों को काफी पसंद आई थी। जितना कि इसमें लीड हीरो एडवर्ड को पसंद किया गया था, उतना ही भेड़िया के रोल निभा रहे जैकब को भी पसंद किया गया था। बेला और जैकब के बीच की केमिस्ट्री तो सबको पसंद आई थी और आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि बेला एक भेड़िया को हाथ लगा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल वो भेड़िया VFX के ये बनाया गया था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जैकब को VFX के जरिए पर्दे पर बड़ी आसानी से भेड़िया के रूप में दर्शाया गया। नंबर 5 पे आती है फ्रेंड्स, हैरी पॉटर। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह हैरी पॉटर की सभी सीरीज पसंद है तो आपने भी सारी सीरीज देखी होगी और आप वो झाड़ू पर उड़कर बॉल को पकड़ने वाला सीन कैसे भूल सकते हैं। आखिर आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या झाड़ू सच में उड़ती है, तो आपको बता दें ये सारे सीन ग्रीन स्क्रीन की मदद से दर्शाए गए थे। बल्कि यही नहीं, फिल्म के सभी झाड़ू पर उड़ने वाले सीन ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही स्क्रीन पर दर्शाए गए थे। बल्कि यही नहीं, जो लाइब्रेरी वाला सीन था जिसमें किताब को उसकी रो पर रो के पास दिखाने पे ही किताब अपने आप शेल्फ में लग जाती थी, तो आपको बता दें दरअसल इस सीन में ग्रीन कपड़े पहने लोगों के हाथ हैं जो VFX के जरिए छुपा दिए गए हैं। ग्रीन कपड़े पहने इंसान ही है जो बुक को पकड़ कर रख देते हैं, लेकिन VFX के जरिए हमें ऐसा दर्शाया गया है कि बुक अपने आप ही शेल्फ में एडजस्ट हो जाती है। नंबर 6 पे आती है वेनम। दोस्तों, टॉम हार्डी को कुछ अलग किरदार करने के लिए जाना जाता है, उसी में से एक मूवी है वेनम। दोस्तों, आपने वेनम मूवी तो देखी होगी, इनमें टॉम हार्डी ने गजब की एक्टिंग की है। इस मूवी में इनके अंदर वेनम का कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से इनको यह रोल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह कैमरे में दर्शाया कि वेनम इनके शरीर में एंटर कर रहा है, लेकिन वो तो VFX की वजह से फिल्म में दर्शाया गया है और वेनम की हाइट टॉम हार्डी की हाइट से काफी लंबी होती है। तो किसी को अगर वेनम की आंख में देखकर बात करनी होती है तो टॉम हार्डी के ऊपर एक फुटबॉल रखी गई थी कि जिसको भी वेनम की आंखों में देखकर बात करनी है वो टॉम हार्डी के सिर के ऊपर रखी हुई बॉल को देखता था और VFX के जरिए ऐसा लगता था कि लोग वेनम से उसकी आंखों में देखकर बात कर रहे हैं। नंबर 7 पे आती है बाहुबली। दोस्तों, आप सबने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, सच में ये मूवी को देखकर सब हैरान हो गए थे क्योंकि इस मूवी ने अपने VFX और ग्राफिक्स के जरिए सबको चौंका दिया था। और आपने इस मूवी में भल्लाल देव की बुल से फाइट तो देखी ही होगी और आप ही सोच रहे होंगे कि क्या ये बुल इतना बड़ा था। तो बता दें कि ये सब ग्रीन स्क्रीन का कमाल था और बुल की जगह सिर्फ उसका एक आर्टिफिशियल फेस डमी था और बाकी सब VFX और ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया था। तो इस फिल्म ने इसी कारण अच्छी कमाई भी की थी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मूवी बेहद पसंद आई थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल ट्रू जिला को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हम आप तक नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।